बड़ी खबर जिले के नरवा क्षेत्रों से आ रही है, जहां पर आज आर्थिक अपराध अनुसंधान प्रकोष्ठ EOW ग्वालियर की टीम ने शिवपुरी जिले की नरवर तहसील में पदस्थ रोजगार सहायक राम कुमार कोली को ग्राम कोडर में एक युवक से उसके भाई और भाभी की मृत्यु उपरांत मृत्यु प्रमाण पत्र देने के बदले 8,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई SP अमित सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने अंजाम दी है। आपको बता दें कि परेशान फरियादी राजकुमार परिहार ने इस संबंध में EOW SP अमित सिंह को शिकायत की। इस पर पुलिस अधीक्षक ने एक टीम का गठन किया और यहां पर DSP सतीश चतुर्वेदी, निरीक्षक यशवंत गोयल, भीष्म तिवारी, योगेंद्र दुबे और जय सिंह यादव शामिल किए गए। आपको बता दें कि भीष्म तिवारी और योगेंद्र दुबे, सहायक उप निरीक्षक ज्योति पाल आदि ने रोजगार सहायक राम कुमार कोली और फरियादी राजकुमार परिहार के बीच 8,000 के लेन देन की डील फाइनल होते ही वार्तालाप रिकॉर्ड किया। नोटों पर केमिकल लगाकर टीम ने फरियादी को दिए। जनपद कहाँ है उसकी? है अच्छा, तो क्या मामला क्या है? ये मामला ये है कि मेरी भाभी का मृत प्रमाण पत्र बनवाना था मेरे को, इसके लिए पैसे की डिमांड कर। कौन? ये राम कुमार सोजी, सहायक सचिव। अच्छा, पंचायत के सहायक सचिव। फिर क्या हुआ इस पे, क्या कार्रवाई हुई? हमने बोला तुम्हारे पैसे अच्छा, 8,000 रुपए की मांग की थी, फिर तुमने इनको 8,000 दे दिया? 8,000 दे दिया। नरवर में ग्राम कोड़ा निवासी श्री राजकुमार परिहार के बड़े भाई का 2007 में निधन हो गया था। ट्रक ड्राइविंग करते थे। उनका क्लेम था जो कोर्ट से ऑर्डर हुआ था 1,25,000 रुपये का, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके भाभी का भी निधन, रेखा परिहार का निधन हो गया था और रेखा परिहार का मृत्यु प्रमाण पत्र न मिलने की वजह से इनका क्लेम अटका हुआ था। 2 साल से लगातार चक्कर लगा रहा था, लेकिन जो आपका दुर्गा सहायक है कोड़ा का राजकुमार कोली, यह इनको रिश्वत की मांग कर रहा था। रिश्वत न देने के कारण से इनको रुतमा में जाय नहीं कर रहा था, इसकी वजह से इनका पैसा अटका हुआ था। ये बहुत गरीब परिवार है, इस परिवार में इनके भाई के भी देहांत हो गया, पिता का देहांत हो गया, भाभी का देहांत हो गया, जिस परिवार में 3 लोगों का देहांत हो गया, ये बहुत संवेदनशील मुद्दा था।